हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दो दिनों में जो लड़के हैं वो 100+ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने नए नए ज्वाइन किए, मतलब पिछले 2 दिनों में 100 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो नए ज्वाइन किए हैं। ठीक, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि एक अगर ऐसा सपोर्ट रहता है तो मैं मतलब कि मेरे अंदर अलग की पावर जनरेट होती है। ठीक, मोटिवेशन हो जाता है। पहले जब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इंटर का जो है क्लास वो स्टार्ट कीजिए, तो मुझे एक बार लगा कि यार क्या स्टार्ट करना है ना, हाई स्कूल वाला तो ऐसे ही चल रहा है, देखते हैं आगे। लेकिन जब इतना अच्छा सपोर्ट आया, ठीक, और इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इनफैक्ट, तो फिर अंदर से ये होता ही नहीं यार, अभी बहुत कुछ देना है, बहुत बेस्ट करना है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो पता है कि अभी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मेरा, ठीक, कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस एक अपनी मोबाइल है और ये वाइट बोर्ड है, ठीक, और ये माइक पड़ गया है, मतलब है, तो बस यही सब सारा चीज़ है। ऐसे जुआड़ है, जुआड़ टाइप का कह सकते हैं आपकी चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं इसी में आपको बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छा सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। हाँ, लेकिन आपसे थोड़ा सा ये कहना है कि यार कमेंट तो कर दिया करो, उसमें क्या जाता है, कमेंट करने में क्या हर्ज है भाई। तो कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि क्या है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीडबैक जो है आप देते रहिएगा। और जैसे कि अगर आप पिछले कुछ वीडियो में मेरे देखेंगे, शायद पहले वाले में, तो उसमें वॉइस जो है उसका इशू था, मतलब कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, तो उस पर मैंने काम किया और उसको इम्प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए, और अगर आपको कहीं दिख रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम हो, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे बताइए, ठीक, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और आपके लिए बेस्ट दूँगा। और इतने वीडियोज़ भी हो गए हैं मेरे, लगभग 18-20 हो गए होंगे, तो उसमें मैं आप देखिएगा, कभी मैंने ये भी नहीं कहा कि यार लाइक कर दो मेरे इस चैनल को या सब्सक्राइब कर दो या जो भी हो, ठीक। तो इतना आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही कर रहे हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लगता है कि हाँ यार सही चल रहा है, बस ये थोड़ा सा कमेंट वगैरह जो है आप कर दीजिए कि क्या चीज़ें मुझे और इम्प्रूव करनी है। ठीक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि चार्ज के बारे में, है ना, चार्ज क्या है, कैसे है, थोड़ा सा उसका जिक्र हम किए थे। तो हमने ये बताया था कि अगर एक पेन है और अगर आप उसको क्या करिए, अपने सर पे ऐसे ऐसे यूं रगड़ करके और कागज़ के थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर आप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस पर चिपक जाता है। लेकिन जो चम्मच होता है, ठीक, धातु की कोई चम्मच है जिसे आप खाना खाते हो, ठीक, उसको अगर आप यूं करके रगड़ेंगे और उसको जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर आप लेके जाएंगे तो वो आवेशित नहीं होता, मतलब वो चार्ज नहीं होता, या वो कह लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको आकर्षित नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे चालक हो गया और एक अचालक हो गया, तो चालकों में ये खासियत होती है, अगर कोई चालक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर कोई चालक है और इसके सरफेस पर आप कोई आवेश दोगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके सरफेस पर कोई आवेश दे दिए तो क्या होगा कि ये पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। अगर ये चालक है तो क्या करेगा, यहाँ 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 पूरे सरफेस पे वो फैल जाएगा। लेकिन अगर यही क्या है, अचालक है, अचालक, तो क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए चार्ज दे दिए तो ये जो चार्ज है आपका यहीं रहेगा, ये पूरे सरफेस पे नहीं फैलता। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मार्कर। अब मार्कर को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से मतलब कि रगड़ रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, देखिए ये क्या है, अचालक है, मतलब अगर यहाँ चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक, जनरेट होगा, तो ये यहाँ तो आएगा नहीं, है ना, यही रहेगा। अब यहाँ से आप जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे और यहाँ पे ऐसे करोगे वो चिपक जाएगा। लेकिन अगर चम्मच में करें हम बात, चम्मच को ऐसे ऐसे आपने किया तो आवेशित हो गया। अब लेकिन वो चम्मच क्या है, कंडक्टर है, तो यहाँ से जो है चार्ज पार्टिकल वो जाता 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 यहाँ, उसके बाद हाथों में, हमारा जो बॉडी है वो भी क्या है, वो भी तो कंडक्टर ही है, वो भी तो चालक ही है, तो यहाँ से होता हुआ कहाँ पर पहुँच जाएगा, अर्थ में। तो इस तरीके से जो हमारा चार्ज आवेश था वो लीक हो गया, समझ रहे हो, वो अर्थ में चला गया, तो इसलिए वो काम नहीं करता है। इसको आप थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिए। आगे हम थोड़ा सा बताएंगे
कि क्या होता है आपका चार्ज, मतलब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, देखते रहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश। तो ये एक फार्मूला होता है हमारा Q बराबर आई टी, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा होता है क्या, Q बराबर आई टी, ये क्या है हमारा फार्मूला है। कल हमने आपको बताया था कि चार्ज जो होते हैं, मतलब आवेश जो होता है, उसका डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में भी दे सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर ठीक छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक, और ये कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो क्यू बराबर आई टी, क्यू क्या है, आवेश है वही चार्ज, और आई क्या है, ये है विद्युत धारा, और ये टी क्या है, टाइम मतलब समय। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये टी है, देखिए टाइम है। अगर हम कहें क्यू इजक्वल टू, यहाँ पे देखिए टी इजक्वल टू एक मान लिए, कितना मान लिए, एक, मतलब टी जो समय हो गया वो एकांक हो गया। एक मतलब क्या होता है, एकांक, ठीक, एकांक हो गया, एकांक मतलब 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू बराबर आई इंटू, ये देखिए टी की वैल्यू कितनी है, 1, तो हो जाएगा क्या, क्यू इजक्वल टू आई। ठीक, यहाँ से भी आप डेफिनेशन को बना सकते हैं। कैसे, हमने क्या कर दिया, समय को एकांक कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में, जब समय कैसा हो, एकांक हो, तो एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को विद्युत आवेश कहते हैं। आप ऐसे भी जिक्र कर सकते हैं इसका कि आवेश किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एकांक समय में, समय कैसा होना चाहिए, एकांक, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को, मतलब एक समय में जितनी भी धारा, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो जाएगी, चली जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये रहा हमारा क्या, कह सकते हैं कि ये फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी काम आएगा। हाई स्कूल में फिलहाल आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो ये हो गया आपका क्या, क्यू बराबर आई टी। अब हम इसको जो है वो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, मतलब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप, क्यू इजक्वल टू आई टी, आई मतलब विद्युत धारा, ठीक, इलेक्ट्रिक करेंट। तो करेंट का क्या होता है यूनिट, तो करंट का यूनिट होता है आपका एम्पियर, है ना, एम्पियर। तो ये हो गया एम्पियर, है ना, और इंटू टी, टी मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हो गया क्या, सेकेंड। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। ध्यान से देखिएगा, जो मात्रक होता है इसका, किसका, चार्ज का, वो होता है एम्पियर सेकेंड, अथवा इसी को कूलाम कहते हैं, आर आर कूलाम। तो इसके मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड होता है और कूलाम होता है। इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो इसको नोट कर लीजिए क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। तो हो गया होगा, आगे चलते हैं उसी फार्मूले से। क्यू इक्वल टू क्या था, आई टी, 11th में मतलब 11 में आपने पढ़ा होगा क्यू इक्वल टू आई टी। एक होता है आपका बीमा, ठीक, तो बीमी सूत्र के लिए, तो बीमी सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, इसका बीमा निकालते हैं। ठीक, तो बीमा इसका क्या हो जाएगा वो देखिएगा। बीमा को जो है आपको बताया गया होगा किसमें, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, ये क्या है, आई, आई मतलब इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा होती है ए, और ये क्या है, टी, टी मतलब टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, टी। तो इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है, ए टी होता है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। इसके आगे आपका आता है आवेशों की जो है प्रकार कितने होते हैं। तो आपको पता है कि आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। जो आप तो आवेशों का प्रकार, तो आवेशों का प्रकार क्या होता है, आवेश टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं कि आवेश टू टाइप्स का होता है, एक प्लस और एक माइनस। और इसकी जानकारी, आवेश टू टाइप्स का होता है, इसकी जानकारी किसने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कौन दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या हो गया ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस नाम को आप देखिए और कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में आवेश का
सूत्र। अगर आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका क्यू बराबर एन ई। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या है क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे क्यू क्या है ये क्यू क्या है आवेश है, आवेश मतलब चार्ज, और ये एन क्या है एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और ये जो ई है वो क्या है इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कितना होता है। तो जो समान प्रकृति के हैं अर्थात ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों माइनस, तो उनके बीच क्या लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल। ध्यान से देखिएगा समान आवेश है, सपोज दैट अगर ये माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस, ठीक, या ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनके बीच क्या लगेगा प्रतिकर्षण, ठीक, और इनके भी बीच क्या लगेगा प्रतिकर्षण, ठीक। तो दोनों के बीच क्या लग गया हमारा प्रतिकर्षण। लेकिन इधर देख लेते हैं अगर ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, या ये माइनस है ये प्लस है, तो इन सब के बीच क्या लगेगा तो हमारा लगेगा आकर्षण। कहने का क्या मतलब है कि अगर सेम चार्ज है ये भी माइनस है ये भी माइनस है या ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रतिकर्षण बल, और अगर अलग अलग चार्जेस हैं तो क्या होगा आकर्षण। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक। अच्छा, जो प्लस होता है और जो माइनस होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कुछ प्लस हो गया और कुछ माइनस हो गया, वो क्यों होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ पे प्लस आवेश, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए वहाँ पे माइनस आवेश। एक चीज़ और कि अगर हम कहें कि क्या इलेक्ट्रॉनों के कारण द्रव्यमान चेंज होता है, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ चला गया, तो क्या इसका जो द्रव्यमान है मतलब इसका जो मास है वो चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया कमी हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो समझ लीजिए द्रव्यमान इसका बढ़ गया। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, इतना आप कवर कीजिए तैयार कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक। और जो भी आपको डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।